फाइनेंस कंपनी संचालक के एक वकील बेटे को पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ के नाम पर आईपीएस मोनिका सेन द्वारा मारपीट और अभद्रता करने के आरोप में गुस्साए वकीलों ने सोमवार को न्यायालय में साधारण सभा आयोजित करने के बाद रैली के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद मानव श्रृंखला बनाकर रास्ता जाम किया। बाद में उच्चाधिकारियों की समझाइश के बाद माने वकीलों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर आईपीएस मोनिका सेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शनिवार रात क्लॉक टावर पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलवाए गए वकील रविंद्र से पुलिस द्वारा थाने में मारपीट के आरोप वकील आईपीएस मोनिका सेन पर लगा रहे हैं। इस मामले में सोमवार को वकीलों ने जनरल हाउस बुलाकर आईपीएस मोनिका सेन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। बाद में रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे वकील उस समय हंगामे पर उतर आए जब पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं करने दिया। नाराज वकीलों कलेक्ट्रेट के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर रास्ता जाम कर दिया। इस दौरान वकीलों ने राहगीरों और पुलिस से भी उलझने की कोशिश की। मोनिका तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाद में सीओ नॉर्थ राजेश मीणा ने वकीलों से समझाइश की और उन्हें ज्ञापन देने के लिए तैयार किया। वकीलों ने एसपी नितिन दीप लग्गन की गैर मौजूदगी में सीओ राजेश मीणा को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आईपीएस मोनिका सेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए संबंधित मामले में जांच अधिकारी बदलने की अपील की। आईपीएस मोनिका सेन हमारे अधिवक्ता रविंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ एक जोड़ा मुकदमा दर्ज किया। उस केस के अंदर परिवादी को पहले लोअर कोर्ट सजा हो चुकी है, अपीलेट कोर्ट सजा हो चुकी है, फिर भी झूठा मुकदमा दर्ज करके हमारे अधिवक्ता थाने पे बुलाया गया। जब हम वहाँ गए तो धारा 41 का नोटिस देकर छोड़ दिया गया। इसके बावजूद शनिवार को फिर इनको नोटिस देकर 3:30 बजे बुलाया। यह कोर्ट की ड्रेस में थे, वहाँ जाके इनके साथ बदतमीज करी, बद्दी बदी गाड़ियाँ बकी, इनका बैंड फाड़ दिया। बोले मैं तू दो कोटे का वकील मैं जानता हूँ, उस खाली इस फर्ज के दस्तखत कर वरना मैं तेरे को देख लूँगी। जब यह पता हमारे अधिवक्ता को, अधिवक्ता फिर वहाँ थाने पर गए, थाने पर जाकर दावा जब साथी अधिवक्ता को छोड़ा, हमारी बार में भारी रोष, हमने भी जनरल हाउस किया है, एसपी साहब को ज्ञापन दिया, एसपी साहब ने मेरे डिप साहब को दिया। अगर कोई कार्रवाई 3 दिन में कार्रवाई नहीं करी तो पूरा शहर को बंद कराएंगे, रास्ता जाम करेंगे, इसकी जिम्मेदारी पूरी पुलिस प्रशासन होगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए वो नोटिस था, मैंने वो रिसीव किया, उस पर टाइम लिखा। मैं 1 घंटे बाद मुझे उसी दिन बुलाया था, हालांकि मुझे 3:30 बजे मुझे बहुत कम टाइम था, मेरे को इनको सुबह नोटिस कम से कम देना चाहिए था। इन्होंने 3:30 बजे मुझे नोटिस दिया, मैं 1 घंटे में सीधे क्लॉक टावर थाने गया। कोर्ट से थाने पहुँचा, मुझे 1 घंटे थाने पर बैठा रखा। थाने पर बैठाए रखने के बाद 1 घंटे बाद मोनिका सेन और उनके साथ 4-5 पुलिसकर्मी आए। उन लोगों ने अंदर आते ही सीआई साहब के चैम्बर में मेरे को अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद मोनिका सेन व सारे ये 3-4 पुलिसकर्मियों ने मेरे से बदतमीजी करी। मोनिका सेन ने कहा तेरा बाप कहाँ है, गंदे गंदे अपशब्द मेरे को कहे, माँ बहन की गालियाँ बकी, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर को नहीं बोलना चाहिए था। और मेरी ड्रेस में से मेरा ये बैंड इसके खींच के फाड़ दिया, मेरे को मारा पीटी करी, उन्होंने मेरे बाल खींच के मुझे ज़मीन में पटका और लात घूंसे बाकी लोगों ने, और उन्होंने मिलकर मेरे को मारा और मुझे बहुत परेशान किया, मुझे फोर्सफुली खाली कागज़ों पे मेरे से साइन कराए। अब आप क्या चाह रहे हो? अब मैं चाह रहा हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, जो कि मैंने रिपोर्ट दी है। उस दिन भी पुलिस थाने पर मैंने कंप्लेंट पेश करी, जो कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में भी जाऊँगा। वहीं श्रीनाथ फाइनेंस के पीड़ितों ने सोमवार को ही आईजी मालिनी अग्रवाल को ज्ञापन देकर फाइनेंस कंपनी के संचालक गजेंद्र श्रीवास्तव और अन्य के खिलाफ यथाशीघ्र कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग की। January 16 में मैंने एक मेरे लड़के की तरफ से दरखास्त लगाई, राजेश की मीणा एडिशनल एसपी के दस्तखत करा के परिवार सगम दिया। 19 जनवरी 16 को मैंने फिर परिवार पेश किया, वहाँ पे जो एएसआई को बोला भाई नंबर लगा के इनको दे दो, ये खुद थान चल जाएंगे, लेकिन वो एएसआई मेरे को बोला हम तो अपने आप ही नंबर लेके भेज देंगे, लेकिन आज तक गया नहीं वहाँ पे। मेरे चेक तो लगा दिए इसने पहले गजेंद्र श्रीनाथ ने, ठीक है, उसके बाद में मेरी पत्नी के सिक्योरिटी चेक थे वो इसने थर्ड पार्टी को दे दिए, दूसरे प्रजापत है कोई डेयरी पे तोपदड़े के अंदर, उसको दे दिए इसने। उसने मेरा पत्नी का चेक बाउंस करवाया है, ठीक है, बाउंस करवा के उसने 1,70,000 रुपये अक्षर 1,70,000 रुपये भरे उसने, ठीक है, 1,70,000 रुपये भर के अब इसको ये प्रजापत जो है ये पुलिस कार्रवाई करेगी कि ये मेरे सिक्योरिटी के चेक मैंने गजेंद्र श्रीनाथ को दिए थे,
इसके पास कैसे चले गए, ना कि हम उसको जानते ही नहीं है कौन सा प्रजापत है। 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही शाहरुख खान अभिनीत फिल्म रईस में पाकिस्तानी कलाकारों के अभिनय से गुस्सा युवा सेना फिल्म का विरोध करेगी। युवा सेना, युवा प्रकोष्ठ, शिवसेना जिला प्रमुख जितेंद्र सिंह सथाना और उप जिला प्रमुख ऋषभ टाक के नेतृत्व में सेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए साफ चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर बनाई गई किसी भी फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं चलने दिया जाएगा। युवा सेना रईस फिल्म को पुरजोर विरोध करेगी। हम लोग इसलिए कर रहे हैं प्रदर्शन, 25 तारीख को फिल्म आ रही रईस, उसमें सभी पाकिस्तानी कलाकार हैं, तो ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो मैं हम लोग पूरे युवा शिवसेना इसका विरोध कर रही है और आगे विरोध करती भी आई है और आगे भी अभी भी करेगी। अगर फिल्म लगती है तो पूरा विरोध करेगी शिवसेना, जोर और शोर दोनों से विरोध करेगी, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन खुद होगा। आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है कि वो फिल्म न लगे और हमारा पूरा सहयोग किया जाए। मैं सभी हिंदू भाइयों से